हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बॉबिन के नीचे कौन सा धागा चलता है और वो कैसे भर जाती है और बॉबिन कैसे लगती है। तो समय पहले बताया था हूँ धागा कौन सा होता है बॉबिन के अंदर जो भरा जाता है। बेसिकली जो धागा भरते हैं वो कॉटन कहते हैं। इसे कॉटन का धागा ये हर काम के अंदर आपको कढ़ाई के अंदर आपको यूज़ के लिए मिलेगा। ये दो कलर के आते हैं, एक तो वाइट आता है और एक ब्लैक कलर का आता है। और ये इस प्रकार के गिट्टे के अंदर आता है, ये बड़ा गिट्टा है, इसके अंदर ब्लैक वाइट दो कलर आते हैं। और आपको मैचिंग धागा चाहिए कढ़ाई करने के लिए तो आपको रेशम बनना पड़ेगा। जिस कलर की आप कढ़ाई कर रहे हो उस कलर का रेशम बनना पड़ेगा। जैसे लाल कलर है तो लाल कलर के रेशम भर सकते हैं आप, काला कलर तो काला कलर का भर सकते हैं। और आपको रेशम पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, रेशम किसे कहते हैं। मैंने आपको पूरी धागे की जानकारी दी है उस वीडियो के अंदर, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ रेशम ये है, इसको इसके अंदर कलर आते हैं। तो आप जिस ऊपर लाल चला रहे थे नीचे भी लाल चला सकते हैं। तो मैचिंग का धागा चलाना हो तो आपको रेशम बनना पड़ेगा। तो अब ये धागे कैसे चलते हैं ये बता देता हूँ आपको। इसके अंदर एक डिब्बी होती है, ये डिब्बी के अंदर हमें धागा लगाना पड़ता है। जैसे लाल कलर का काम कर रहे हैं तो हम लाल कलर का धागा लगा के इसको नीचे लगाएंगे। ये जब तक ये टक आवाज आई है, जब समझ लो आप ये बॉबिन लग गई है और ये धागा नीचे से आएगा, ये नीचे से धागा आ रहा है तो मैचिंग का धागा आएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो आप मैचिंग का काम करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो, नहीं तो वाइट का काम करना चाहते हो, आप कॉटन लगाना चाहते हो तो ये कॉटन की है, इसको भी इसी तरीके से इसके अंदर लगा के आप कॉटन का काम कर सकते हैं। ये नीचे से अब वाइट कलर का धागा आएगा, ये देख सकते हैं आप वाइट कलर का धागा आ रहा है। अब इसका तरीका बता देता हूँ आपको भरने का, कैसे भरा जाएगा ये। तो ये आप एक कील लेना पड़ेगी आपको, और ये खाली डब्बी बॉबिन नहीं है तो इसके अंदर डाल के आपको ये कॉटन का धागा भरते हैं। पहले हम ये कॉटन का गिट्टा नीचे रखेंगे, नीचे रखने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा आपको लपेटना पड़ेगा धागे को। ये आप लपेट लें क्योंकि लपेटेंगे नहीं तो धागा निकले जाएगा। और मशीन चालू करते हैं, मशीन चालू। तो दोस्तों मशीन चालू कर ली हमने। मशीन चालू करने के बाद आप इस तरीके से बॉबिन को भर सकते हैं वाइट कॉटन से। ये कॉटन का धागा भरा जा रहा है, ये पूरी भरनी नहीं है आपको, थोड़ा सा खाली रखना है। पूरी भरोगे तो आप नीचे धागा उलझेगा, इसलिए पूरी नहीं बननी, इसको थोड़ा सा खाली रखना। और दूसरा ये रेशम का भी इसी तरीके से भरी जाएगी। ये खाली बॉबिन लेंगे हम, ये खाली बॉबिन है और एक ये कील लेके इस तरह स्टैंड पे इसको धागे को लगा के, सामने स्टैंड पे धागा लगा दिया हमने और यहाँ धागा लगा के इसको इस तरीके से यहाँ पर भर सकते हैं आप। इसी बॉबिन को भी इसी तरीके से भर सकेंगे। ये बॉबिन भर गई है, पूरी नहीं बननी है बॉबिन को, थोड़ा सा खाली रखना है क्योंकि आपको मैंने बताया कि धागा अटकेगा इस वजह से। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी पिछली वीडियो है बहुत सारी, दो तीन वीडियो डाल चुके हैं हम सिखाने के पर्पज़ से, तो वो वीडियो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और कुछ क्वेश्चन हो, कोई आपको कमेंट करना हो, कुछ पूछना हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको सिखाने के लिए। तो जब तक के लिए गुड बाय।